ये है माशाल्लाह से सारी ज़बरदस्त किस्म की बकरियां हैं और 30 बकरियों की लाड है। ये अमीन कुल्हाड़ी वाला, क्योंकि वो पहले वाली लाड जो है ना सेल हो गया। सलाम ही वीडियो दे वे। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से खूबसूरत किस्म की लाड है और सारी बड़े वाली। इरे टोरा यार खुला करा तो अकल है यार उड़ो। 30 बकरियां सारी प्योर, और जो इसका फायदा है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2-4 महीने आप एक मिसाल के तौर पे जो 3 महीने में कुछ 4 महीने में सू पड़ेंगी, और 2 महीने की 3 महीने की कुछ प्रेग्नेंट है और कुछ खाली है, और खूबसूरत किस्म का सेट है ये। ये आप चेक करें ना, 30 बकरियां पूरी। और एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, अगर आप सही मायने बकरियों की देखभाल करें ना, और गोल्ड फॉर्म में आपको जो फ़ायदा मिलेगा इसमें, आप ये देखें, अगर 30 बकरियां आपने रखी है, ठीक है, फॉर्म भी बना लिया आपने, खर्चा भी काट लिया, ये 30 बकरियां कम से कम 6 महीने के बाद ही सारी सू हैं। एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर खाली भी हैं, इसमें वैसे भी आधी से ज़्यादा गबन है, ठीक है, तो उसमें अगर खाली करके भी लेना आपको जो फ़ायदा मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा, तो उसमें ये होगा 6 महीने तक ये जिस टाइम सूने लगेगी ना, इसकी कीमत एक मिसाल है 28 है, तो कम से कम ये आपकी कितने की जाके पड़ेगी, सुई या सूने वाली प्योर वाइट बकरी कम से कम 60-70 हज़ार रुपया उसकी कीमत होती है। तो अगर इसका एक बच्चा भी तैयार करके अगर आप बेचें ना ईद पे, जिस टाइम धोंधा लग जाए, साल का बकरा होना चाहिए, साल के बाद तकरीबन आपका एक बकरी का बच्चा तकरीबन कम से कम जो है ना 2 दांत का बकरा राजनपुर का प्योर 70-80 हज़ार रुपये का आराम से जो है ना बिक जाएगा। और दूसरी बात ये है, लोग कहते हैं कोई भी बकरी है, सर्दी है या गर्मी है, चाहे इंसान है जानवर है कोई भी चीज़ है, हर चीज़ सर्दियों में कमरे के अंदर रखनी पड़ती है रात के टाइम, और दिन के टाइम बाहर। और जानवर एक मिसाल के तौर पे गर्मी है, गर्मी में धूप पर थोड़ी ना रखना पड़ता है जानवर कोई भी हो, ठीक है। बाज़ूकात ऐसे भी लोग होते हैं, वो कहते हैं ये सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये सारा झूठ बोलते हैं। कहीं पानी एक्सचेंज होता है, पानी थोड़ा कड़वा होता है, हर जगह पे मीठा पानी होता है, तो हवा थोड़ी ना कड़वी होती है यार, आबो हवा लोग कहते हैं ना, ये सारा झूठ बोलते हैं। क्योंकि वो कहते हैं लोग अपनी बकरियाँ बेचें, ये वो जो चीज़ भी रखो पाकिस्तान के किसी भी कोने पर, टेडी रखो, राजनपुरी, अबलक, बीतल, मक्खी, चीनी, हर किसी का अपना शौक होता है। आप कोई नस्ल की भी बकरी आप रखें, आप हर जगह पे ये कामयाब हैं, पूरे पाकिस्तान के अगर बर्फबारी वाले इलाके में भी रखें ना, ये कामयाब हैं। क्योंकि आप ये देखें, जितना आप अपनी हिफाजत करते हो वैसे उतनी जानवरों की तो करनी है ना। सर्दी में आप बाहर तो नहीं, आप एक मिसाल है बर्फबारी में निकलोगे जितना देर, उतना देर जानवर भी निकल सकते, आप अंदर रहोगे ये भी अंदर रहेंगे ना, अब ये सोचने की बात है। और इनेक्टोर, और अगर पानी आप कड़वा पियोगे आप तो बीमार होंगे, अगर जानवरों को कड़वा पानी पिलाओगे वो भी बीमार होंगे, लेकिन इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। आप कोई भी नस्ल है आराम से रह लेती है, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पर रखें, और ये नहीं है इधर भी सर्दी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, सर्दी और गर्मी में ये एक्टिव रहते हैं जानवर। सर्दी में इंसान जो है ना, इंसान भी अंदर रहता है, और जिस टाइम बाहर निकालना हो आप चराई पिलाई करें, दिन के टाइम धूप के टाइम आप निकालें जानवरों को, और रात के टाइम आप कमरे के अंदर ही रख दें, और उसमें कोई भी जानवर है ठंडा तो होता है गर्मी में, उसको गुड़ सौंफ ये चीज़ें आप खिलाएं और गर्म रहता है जानवर। कोई भी जानवर आप रखो ना, कोई सर्दी में और गर्मी में हिफाजत तो हर बंदे ने हर जानवर की करनी है ना। ये सिर्फ जो है ना आप सब भाइयों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, और ये आप सब भाइयों का फ़ायदा है, आप कोई भी जानवर रखें और किसी की बातों में ना आए, और कोई भी नस्ल पालें आराम से आप पाल सकते हो। सर्दियों में आपने ठंड के ऊपर थोड़ी ना रखनी है, कमरे के अंदर ही रात को टाइम रखनी है ना, दिन के टाइम आपने बाहर निकाल लेनी है जिस टाइम धूप निकले। अगर सर्दी है, फुल सर्दी है, धूप भी नहीं निकल रही, आप उसको अंदर रखें, और जिस टाइम हवा ठंडी चल रही है फिर भी अंदर, अगर जिस टाइम हवा नहीं चल रही आप बाहर निकाल दें दिन के टाइम, रात के टाइम फिर जानवर अंदर काट देते हैं। यही तो होते हैं और क्या होते हैं, जिनके पास कमरे नहीं होते जानवरों को अंदर रखने के लिए, तो वो कहते हैं सर्दी लगती है जानवरों को।
ये आप देखे ना। और जिनके पास जो जैसे सादा पानी होता है मीठा, जैसे इंसान पीते हैं सादा पानी, जिसके पास नहीं होता वो चलो कहें तो वो उसकी बातें आप मानो, जो कड़वा पानी आप बकरियों को ना पिलाओ, मीठा पानी मीठा घास है, घास जो भी खिलाओ खाएंगी, सूखे पत्ते भी खिलाओगे ना ये बकरियां आराम से खाएंगी। आप जो चीज़ खिलाओ और पाकिस्तान के किसी भी कोने पे आप रखें ना, बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह आराम से पलेंगी बढ़ेंगी और कद भी करेंगी, नस्ल भी बढ़ाएंगी। और वैसे भी ये 30 बकरियां और बिल्कुल मुनासिब कीमत में अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ूबसूरत किस्म की लॉट है, क्योंकि बकरियां बहुत कम होती जा रही हैं। आप जितना फॉर्म बनाओगे ना, हर बंदा फॉर्म बना रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में लोग जो है ना बकरियों का शौक़ रख रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, इतना ख़रीद रहे हैं हमारी सोच से भी ज़्यादा लोग आके लेके जा रहे हैं। और उन्होंने भी गोट फार्म बनाया है, पूरा डेरा गाजी खान उनका चक्कर खाली करें। और जो हर शहरों में बकरियां जो है ना, हर किसी का अपना अपना फार्म हो, वो कहते हैं अपने फार्म पे तैयार करके बकरियां हम बेचें। तो इस तरह आप करें, और जितना भी बकरियां आप ज़्यादा रखोगे और उतना आपको ज़्यादा मुनाफा आएगा। आप ये देखें, अगर एक बकरा भी इनका बेचें ना ईद पे, कितने का बिकेगा, धोंधा करके बेचें, काफ़ी मुनाफे पे बिकेगा आपका बकरा। और इसमें सेल परचेज पॉइंट बनाएं अपने शहरों में, और सेटिंग करें अपने हिसाब से, और इनकी फार्मिंग करें अच्छे से, ब्रीडर छोड़ दें बकरियों के अंदर, और आप ये देखें फिर कितना फ़ायदेमंद ये रहती हैं। तो अगर मेरी बातें आपकी समझ में आई हैं तो ठीक है, तो इंशाल्लाह से हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, और लोगों को दोस्तों को भी आपने वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि अच्छी बातें अच्छी मालूमात देना हमारा हक है। और जो दूसरी वीडियो इनकी खुराक के मुतालिक बनाएंगे, और आप ये देखें ये इतनी खुराक खाती है ना, इतना जानवर और कोई भी नहीं खाता जितना राजनपुरी के। आप सूखे पत्ते जो खिलाओगे ना वो भी खाएंगी भूख से। आप इसको किकेर बेरी वगैरह सरहीं वगैरह जो भी चीज़ें ना आपके इलाके में आप इनको खिलाएं, ये वही खुराक खाएंगी, उसके ऊपर पलेंगी बढ़ेंगी और सेहत निकालेंगी। ये आप देखें ना, जो भी चीज़ ये सूखा हुआ हम इसको तला घा कहते हैं, सब्ज़ भी नहीं है, सूखा हुआ बिल्कुल ये खा रही हैं। ये आप देखें ना, सिर्फ क्या है जानवर के ऊपर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल खूबसूरत और नाजुक और अच्छी नस्ल की बकरियाँ हैं। और इसका शौक़ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, आप भी करें, और आपको भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। ये द्रब खा रही थी बकरी, ये देखें ना, और माशाल्लाह से ये आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पे रखें, आप गोट फार्म बनाएं अपने इलाकों में, और ये देखें सूखा सूखा घास जो है ना ऊपर वाले हिस्से से ये खा रही है। आप ये देखें, आप किसी के बातों में ना आए, आप गोट फार्म बनाएं, राजनपुर की प्योर ब्रीड रखें, आपको पता हो, आपके पूरे इलाके को पता हो क्या चीज़ें हमने रखी हुई है। और ये तकरीबन 28 के रेंज में है, 30 बकरियां और बिल्कुल खूबसूरत किस्म का सेट है। तो जो भी भाई पहलो रابطہ करेगा और जो पहलो आएगा और उसको ये पूरी की पूरी लौट देंगे, और बिल्कुल मुनासिब कीमत में है, मज़ीद भी कमी पेशी करेंगे, और जो पहलो आएगा सिर्फ उसको मिलेंगे, क्योंकि ये जल्दी सेल होती हैं और बड़ी मुश्किल से ये बकरियां मिलती हैं। फिर बकरियां तो वैसे भी ख़त्म हो जानी है जो बड़े साइज़ में है, क्योंकि जितना जल्दी आप गोट फार्म बनाओगे और हर बंदा खरीद रहा, आप ये देखें इतना जानवर है, इतने सेल हो रहे हैं, हद से भी ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो आप भी ख़रीदें, आप भी गोट फार्म बनाएँ और फार्मिंग करें, आपको जो फ़ायदे आएँगे ना आपकी सोच से भी ज़्यादा आएँगे। और जितना बकरियां आप रखोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, इधर बकरियों में बहुत सारा फ़ायदा है, हर बंदा जो है ना इस चीज़ का काम कर रहा है, और आप भी ज़रूर करें, ईद पे सेल परचेज करें, खसी बकरे करके ना लेके, या बकरियों अपनी की ब्रीडिंग करवा के, और जो ब्रीडिंग भी करवाएं इनके बच्चे शौकिया तौर पे भी लोग ख़रीद के लेके जाएंगे आपके इलाकों में जहाँ आप फार्म बनाओगे, तो ईद पर भी सेल परचेज पॉइंट ज़बरदस्त किस्म का ये है। और किसी की नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपना गोट फार्म बनाएं, और इंशाल्लाह जो आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको जो है ना इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब लाइक करें, और जो भी भाई पहलो आएगा इंशाल्लाह उसको पहले ही मिलेंगी बकरियाँ।